अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह से दुआ है कि सब खैर ऑफिस हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे दामन के डिज़ाइन, बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे प्यारे हैं। घेरे के जितने भी डिज़ाइन अच्छे अच्छे हैं वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा। ये देखें कट वर्किंग, इसमें कट वर्किंग के बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। आप वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिज़ाइन है कट वर्किंग से रिलेटेड और यूनिक से। लेसेस यूज़ कर लें, चाहे पेंटिक्स यूज़ कर लें, किसी भी तरीके से आप डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही एलिगेंट लगते हैं ये घेरे और बाजू के सेम ही तकरीबन डिज़ाइन होते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही बारीक सी डोरी के डिज़ाइन बनाए गए हैं। इस तरह आप लेस भी ले सकते हैं और लेस का भी दामन बना सकते हैं। इस तरह आप सिंपल कट वर्किंग भी करा सकते हैं। इस तरह की लेस भी आ रही है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की पत्तियां बनाई जा रही हैं टसल्स की सूरत में, आप इस तरह बना सकते हैं। अगर आप इतना मुश्किल नहीं करना चाहते तो सिंपल एक लेस ले सकते हैं, कट वर्किंग में आ रही है। लूप्स की बनी हुई लेसेस भी आ रही हैं, तो आप उसको वो लगा सकते हैं, उसके साथ दो तीन पेंटिक्स लगाएँ और बीच में एक सीली लेस लगाएँ, तो आप देखेंगे बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आएंगे क्योंकि सारे ब्रांड सूटों के डिज़ाइन हैं और डिज़ाइनर ने तैयार किए हैं लगभग। ये देखें जो लेस आ रही है, इस तरह आप लूप्स बना सकते हैं छोटे छोटे, ऐसे आप टसल बना सकते हैं कपड़े के और उसके साथ मोती लगा के उसको एक लॉन्ग शक्ल दे सकते हैं। ये टसल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह आप डबल कलर की पट्टी लगा के भी लूप्स बना सकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत घेरा बनाया गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ लेसेस का इस्तेमाल किया गया, स्मोसी वर्क किया है, जस्ट स्मोसे बना के वो ट्राइंगल उसको लगा दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सकें। ये भी देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।